दोस्तों आज हम बताऊंगा कि आपने मोबाइल की स्क्रीन को सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन के द्वारा स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, चलिए उस ऐप के बारे में आज बताते हैं। तो इससे पहले जो बंदे नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम बताते हैं DU रिकॉर्डर के बारे में। डिस्क्रिप्शन पे जाइए और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और एक तरीका है इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर पे ये लिखना होगा DU स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड। बस आप कोई भी ब्राउजर पे ये सर्च कर सकते हो। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर से दिखा सकती हूँ आपको। तो चलिए क्रोम ब्राउजर पे ये सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद एक नया इंटरफेस आएगा। इससे पहले एक बात कह देते हुए, ये ऐप आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं जैसे जैसे आपको बोल रहा हूँ ऐसे आपको ये ऐप को डाउनलोड करना होगा। या तो आपको मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाना होगा या आपकी कोई भी एक वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं इसको लिंक के आने के बाद क्लिक करने के बाद इस तरह सॉफ्टवेयर खुल गया। सॉफ्टवेयर के बाद आपको मोबाइल की हर किसी सॉफ्टवेयर के यहाँ से मिल जाती है। तो चलिए DU रिकॉर्डर भी यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया कैसे ये ऐप को डाउनलोड करना है इसके बारे में बोलने का। तो ऐसे आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करते ही आपको इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। इससे आपको वीडियो एडिट भी करना होगा। तो फर्स्ट काम आपका ये होगा कि इसको सेटिंग को बारे में जानना या सेटिंग को ध्यान से ठीक करना। तो चलिए सेटिंग के बारे में आप बताते हैं। सेटिंग्स पर आपकी वीडियो रेजोल्यूशन है, उस पर आपको मनपसंद एक रेजोल्यूशन चूज कर लेगा। उसके बाद वीडियो रेजोल्यूशन आप सेट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद वीडियो क्वालिटी आप सेट कर दीजिएगा। तो यह से वीडियो क्वालिटी आप अपने हिसाब से सेट करेगा। उसके बाद APS सेट करिएगा, उस ऑटो रखना होगा। वीडियो इसके बाद वीडियो ओरिएंटेशन, इसके बाद वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको ऑन रखना होगा। इसके बाद वीडियो लोकेशन, इसको आपको मेमोरी कार्ड या फ़ोन मेमोरी पे सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मेरा मेमोरी कार्ड नहीं सिलेक्ट करूँगा, मैं फ़ोन मेमोरी सिलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आना होगा रिकॉर्डिंग मोड पर। तो रिकॉर्डिंग मोड चलिए इसको हाइड कर दीजिएगा। हाइड तो थोड़ा शेक फ़ोन को भी आप ऑन कर सकते हो, जिससे द्वारा आपको शेक करने के पर फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ हो जाती है। तो चलिए वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद जो आपको काउंटडाउन मिलेगा, काउंटडाउन के बाद 3 सेकंड या 4 सेकंड 5 सेकंड जितने चाहे आपको मनपसंद कर सकते हो। उसके बाद एक और हाइड का ऑप्शन, हाइड रिकॉर्डिंग बटन ऑन द होम पेज, उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद शोटस पे भी ऑन ऑफ कर सकते हो। शोटस ऑन ऑफ इसलिए तो आपकी जितनी भी काम कर लीजिए। इसके बाद आप वाटरमार्क भी सेट कर सकते हो। वाटरमार्क डिसेबल करना बेहतर होगा मेरे हिसाब से, नहीं तो आपको ये वाला आपका जो नेम है वो वीडियो पर आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। तो अपनी पसंद पे आप पूरी तरह वीडियो को अच्छे से सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद यहाँ पर एक नया इंटरफेस आएगा। ये आदर्श कोई ऐप पर नहीं होगा, ये DU रिकॉर्डर द्वारा दिया होगा। तो इसके बाद आपके वीडियो को मर्ज कर सकते हो, कट कर सकती हो, एडिट भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं दिखाता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हो मैं अभी भी वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे।